जल्दी आए। हाँ तुम तो कह रहे थे कि 10 बजे तक आने वाले। आते जाते दोनों वक्त फटाफट ट्रेन मिल गई, आ गए जल्दी। इंस्पेक्टर वीरेन का फोन आ गया था। अच्छा क्या कह रहे थे? कुछ बुरी खबर है, 10 बजे तक यहाँ आ रहे हैं। भाई क्या हो गया? क्या हो गया? अरे कमाल है, ये माचिस का बक्सा मेरे पास कहाँ से आ गया? कौन सी माचिस का बक्सा? ये। अरे इसमें क्या खास बात है? जैसे माचिस होती है वैसे ही है। अरे देख नहीं रहा, इस पर जो लेबल लगा हुआ है उस पर रेल का इंजन है। रेल का इंजन? रेल का इंजन है तो क्या हुआ? सत्या, जब मैं घर से निकला तब जहां तक मेरा ख्याल है मेरे पास घोड़ाचाप माचिस थी, अब ये रेल के इंजन में बदल गई। सत्या, इस बार बाजार से कौन सी माचिस मंगवाई थी? वही जो हमेशा आती है, घोड़ाचाप। कितनी मंगवाई? 1 दर्जन। तुम्हें पक्का मालूम है इंजन छाप नहीं मंगवाई? पुटीराम, रसोई से माचिस की डिबिया तो ला, अभी पता चल जाएगा। देखना तो जरा माचिस पर क्या इंजन छाप है, घोड़ा छाप है। घोड़ा छाप? कहा ना मैंने, मेरी तो कोई बात मानते ही नहीं। अच्छा ठीक है जाओ। सुनो, इंस्पेक्टर बिरेन आने वाले, अच्छी चाय भिजवा दो। याद आया, ट्रैम में मेरे पास एक आदमी बैठा हुआ था, उसने मुझसे माचिस मांगी फिर सिगरेट जलाकर वापस दे दी। अजीत, क्या है? जरूर उस आदमी ने डीएसएलआई का बक्सा बदल दिया है। कौन था वो आदमी? गौर नहीं किया, लेकिन ठंड की वजह से वो मफलर लपेटे हुए था, और फिर मैं भी ज्यादातर खिड़की से बाहर देख रहा था। कब आ रहा है इंस्पेक्टर? 10 बजे। मुझे मालूम है इंस्पेक्टर क्या बुरी खबर लाने वाला है। क्या? जाओ दरवाजा खोल दो, इंस्पेक्टर बिरेन आए। आइए इंस्पेक्टर। प्रोफेसर देव कुमार की माचिस की डिबिया की चोरी कब हुई? अरे आपको कैसे पता चला? ये खबर तो हमने दबा कर रखी है। अपनी माचिस से सिगरेट जलाइए। चोरी कब हुई? परसों। लेकिन आपको? चोर ने खुद बताया। ये देखिए वही बक्सा, आज किसी ने मेरी माचिस के बदले मुझे दी, और ये देखिए तीलिया। अब इस पर गौर कीजिए। वही खतरनाक तीली है? कौन था वो आदमी? जो भी हो उसका मकसद था मुझे मार डालने का। लेकिन क्यों? इतने सारे लोगों के होते हुए सिर्फ आपको ही क्यों मारना चाहता है वो? उसका ख्याल है कि अगर ब्योमकेश को रास्ते से हटा दिया जाए तो उसे कोई नहीं पकड़ सकेगा। ये बात नहीं है अजीत, पुलिस में बहुत से आदमी हैं जो होशियारी और अकलमंदी में मुझसे कम नहीं है। हमारे इंस्पेक्टर बिरेन को ही ले लो ना, अगर चोर का यही इरादा है तो वो मुझे न मारकर इंस्पेक्टर बिरेन को भी तो मार सकता है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको मारने की वजह क्या हो सकती है? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरी तो किससे ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है जो मुझे मारने की सोचे। ये बात नहीं है ब्योमकेश बाबू, अब आप भी तो चोर उचक्के और बदमाशों के पीछे लगे हुए हैं। आपका कोई दुश्मन ना हो ये तो हो नहीं सकता, और फिर हमारा तो धंधा ही दुश्मन पैदा करना है। अच्छा एक बात बताइए, ये माचिस पुलिस के कब्जे से गायब कैसे हो गई? कैसे गायब हुई ये बताना तो बहुत मुश्किल है। आपको तो मालूम है कि प्रोफेसर देव कुमार के मुकदमे में यह माचिस बतौर एग्जिबिट कोर्ट में पेश की जाती थी। परसों यह मुकदमा खारिज हो गया और तभी से यह माचिस मिल नहीं रही। फिर क्या, कुछ हरदली और छोटे औहदे के नौकरों पर शक करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अंदर ही अंदर काफी खलबली मची हुई है, सरकार भी खुद परेशान है कि माचिस गायब कैसे हुई। अब सारा दारोमदार आपके ऊपर ही है।
लेकिन आप जो मुझे ये काम सौंप रहे हैं, आपके ऊपर वालों की इजाजत है? है। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। दिया सलाई के बक्से के गायब हो जाने के साथ ही साथ यह केस सीआईडी के हाथों में सौंप दिया गया है, लेकिन आज 3 दिन हो गए, कोई नतीजा नहीं निकला। उधर रोज सुबह शाम पूछताछ भी जारी है। आखिरकार बड़ी सरकार ने यह फैसला किया है कि यह केस फौरन आपके हाथों में दे दिया जाए। ठीक है, लेकिन मैं एक बार कमिश्नर साहब से जरूर मिलना चाहूंगा। कब फ्री है? आप जब चाहें तब कमिश्नर साहब आपसे मिलेंगे। अच्छा, ऐसा करिए, आज रहने दीजिए, मैं कमिश्नर साहब से कल मिलता हूँ। आज मुझे जरा सोचने दीजिए। लेकिन जितनी देर होगी, जल्दबाजी करने से कुछ नहीं बनेगा। हमें एक अनजान आगंतुक आदमी को पकड़ना है। मुकेश बाबू है, उनकी चिट्ठी है। उनकी चिट्ठी तो है, लेकिन उनसे कुछ पूछना है। मुझसे पूछना? मैं बताता हूं। क्या ये उनकी चिट्ठी है? एक मिनट, मैं उनको बुला रहा हूं। देखिए, चिट्ठी आपकी है। हाँ, मेरी है। क्यों, क्या बात है? नीचे मेज में बाबू कह रहे थे ये चिट्ठी उनकी है। अरे, ब्योमकेश बख्शी कोई और भी है क्या? उन्होंने अपना नाम ब्योमकेश बोस कहा। नीचे मेस में ब्योमकेश नाम का कोई आदमी है? ऐसा तो कभी सुना नहीं। ठीक है, किसकी चिट्ठी? मेरी नहीं, कोकानंद गुप्त, अजीब नाम है। देखू, ब्योमकेश बाबू, बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपको भूल नहीं सका। फिर से मुलाकात करने की तमन्ना आज भी जिंदा है। आप क्या मुझे पहचान पाएंगे? क्या पता बरसों बाद मुलाकात होगी, शायद इस नाचीज को भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आपका मैं बहुत बहुत कर्जदार हूँ। आप अपने काम की वजह से कई सालों से इधर उधर भटकता रहा, इसलिए उस कर्ज का एक रत्ती भी नहीं चुका पाया। अब मैं वापस कलकत्ते आ गया हूं और जल्दी से जल्दी अपने कर्जे से मुक्त हो जाना चाहता हूं। स्नेह नमस्कार के साथ, आपका गुणमुक्त कोकानंद गुप्त। ये चिट्ठी हमें नहीं पढ़नी चाहिए थी। वैसे इसमें कोई खास गुप्त बातें तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की व्यक्तिगत निजी बातें दूसरों को नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन चिट्ठी मेरी है नहीं, इसका भी तो पता लगाना था। कोकानंद गुप्त, मैं तो ऐसे किसी आदमी को पहचानता नहीं, और अगर पहचानता भी हूं तो इतना बड़ा उपकार किया हो, ये तो मुझे कुछ याद नहीं। उसे वापस दे देनी चाहिए। क्यों नहीं। कोटीराम, कोई नया आदमी लगता है। देखो, दरवाजा खोलो। मेरा नाम ब्योमकेश बोस है। एक चिट्ठी। भाई आइए, आपकी चिट्ठी भिजवा ही रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए, बुरा ना मानिए, मैंने अपनी समझकर पढ़ ली। कोकानंद गुप्त, लेकिन मैं तो किसी, आपने पढ़ी है ना चिट्ठी? हाँ पढ़ी है, पोस्टमैन कह जरूर रहा था कि आप नीचे मेस में रहते हैं, लेकिन ये चिट्ठी मेरी नहीं है। मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है। आपको कौन नहीं जानता, आप तो हमारी बिल्डिंग की शान है। लेकिन ये चिट्ठी मेरी है या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, जब आपकी नहीं है तो मेरी होगी। महान व्यक्ति उपकार करके भूल जाते हैं, यही तो उनकी महानता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत दिनों की बात है, कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, आप इस मेस में कितने दिनों से? ज्यादा नहीं, यही कुछ 6-7 दिन से। अच्छा अच्छा, चलिए, अपने ही नाम वाला एक और मीत मिल गया। आइए ना कभी कभी। जरूर। अच्छा अच्छा, इस 2 नंबरी ब्योमकेश को कभी देखा तुमने? कभी नहीं, पहली बार ही शक्ल को देख रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है,
इसकी चाल कुछ पहचानी हुई सी लगती है मुझे। हमें तो माचिस चोरी का केस सुलझाना है, समझ लो जिस जंगल में कोई शिकार ही ना हो वहीं से शेर मार कर लाना है। क्या बात है, आज इतने उतावले से घूम रहे हो? क्या बताऊं, मन को एक रास्ते पर नहीं ला पा रहा, इधर उधर भटक रहा है। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है तो मन पर काबू रखना चाहिए। मैं क्या जानबूझकर भटक रहा हूं? आज सुबह की वो चिट्ठी, कोकानंद गुप्त, ध्यान उसी तरफ जा रहा है। उस चिट्ठी में परेशानी की क्या बात है? नहीं वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन सोच रहा हूं कि अगर सचमुच वो चिट्ठी मेरे लिए लिखी गई हो तो। क्या बात कर रहे हो ब्योमकेश, चिट्ठी लिखने वाले को तुम पहचानते नहीं, एक दूसरा आदमी उस चिट्ठी को अपनी मानता है, फिर वो चिट्ठी तुम्हारी कैसे हो सकती है? उस चिट्ठी में क्या लिखा है तुम्हें याद है? बहुत ही कृतज्ञ होकर किसी एहसान के बदले में अपना बोझ हल्का करना चाहता है, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? अच्छा चलो अब सो जाओ, कल सोचना क्या करना है। जी मुझे लगता है कि जिसने प्रोफेसर देव कुमार की डीएसएलआई चुराई है वही मुझे मार डालना चाहता है। कितनी बार कहा है पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करके रखना, मेरी तो कुछ सुनते ही नहीं। अजी ये काम तुम ही कर डालो ना। वो मुझे हमेशा के लिए ठंडा कर देना चाहता है। अच्छा मान लो मैं खुद ही मर जाऊं। भाई काफी रात हो गई, मैं चलता हूं। अरे सुनो तो सही, तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मैं कह रहा हूं कि जो मुझे मार डालना चाहता है अगर उसके मारने के पहले ही मैं मर गया तो क्या? एक चाले हाना सत्या का भाई आया था, उसी के साथ चली गई। अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। क्यों? बाद में बताऊंगा। आज सुबह सुबह कहाँ चले गए? कमिश्नर साहब से मिलने। मुलाकात हुई? हाँ मिले और मेरे प्लान ऑफ एक्शन की तारीफ कर रहे थे। क्या है तुम्हारा प्लान? कल जब बता रहा था तो उठकर चले गए, अब क्या करोगे सुनकर? अच्छा वो प्लान, तुम सचमुच मर गए? हाँ वही। कल इसलिए चला गया था क्योंकि तब रात के 11 बजे थे, कमिश्नर साहब तो सुबह सुबह ऑफिस आए होंगे, वो कैसे सोते, इसीलिए उन्हें मजबूरन सुनना पड़ा। सुना भी और खुश भी हुए। अच्छा ठीक है बताओ क्या है तुम्हारा प्लान, अब मैं ध्यान से सुनू। प्लान ये है कि मैं अखबार में एक इश्तिहार छपवाऊंगा अपना हुलिया देकर, श्रीरामपुर स्टेशन पर मेरी लाश मिलेगी, मौत कैसे हुई कुछ नहीं मालूम, कलकत्ते से 4:53 की लोकल ट्रेन का टिकट मेरे जेब में होगा। अब अगर कोई लाश को शिनाख्त करना चाहे तो श्रीरामपुर अस्पताल में आकर दरियाफ्त करें। ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई जैसे किसी अनजान तालाब में मछली पकड़ने के इरादे से बंची डाले बैठे हो। तालाब में मछली है कि नहीं ये भी नहीं मालूम। हाँ अंधेरे में ही ईंट फेंक रहा हूं, हो सकता है कहीं ना लगे, और जब नहीं लगेगी तो कोई और तरीका सोचेंगे। मुझे यकीन है कि जो मुझे खत्म करने की सोच रहा है जब वो पड़ेगा कि मेरे जैसा ही आदमी मरा है तो वो एक बार मुझे देखने जरूर आएगा। फिर जो जो शख्स मुझे देखने आएंगे पुलिस उनका पीछा करके उनकी असलियत का पता जरूर लगाएगी, और फिर पता लगाने में मैं भी तो साथ रहूंगा, मैं मरा थोड़ी हूं। कमिश्नर साहब राजी हो गए? पूरी तरह से। कैसे कमिश्नर है? तुमसे तो अच्छे हैं। अच्छा तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना है। इस प्लान के बारे में तुम्हें मुझे और कमिश्नर साहब के अलावा कोई कुछ नहीं जानता। सुनो सत्या को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसीलिए उसका चले जाना ही अच्छा। ठीक है और? कल सुबह श्रीरामपुर के अस्पताल में इस मुर्दे के दर्शन करने नहीं आओगे? अच्छा मैं अभी निकल जाऊंगा फिर नहीं आऊंगा रात में भी। हेलो हेलो इंस्पेक्टर बिरेन, गुड मॉर्निंग। जी वो घर पर नहीं है, कलकत्ते से बाहर। जी मालूम नहीं
कुछ कहकर नहीं गए? कब लौटेंगे कुछ पता नहीं, वैसे 2-4 दिन तो लग सकते हैं। नमस्कार। आइए आइए मुंडीराम, जरा चाय बनाना। आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? यूं ही बस, कहीं जा तो नहीं रहे ना? नहीं, ब्योमकेश बाबू कहीं दिखाई नहीं देते? जी हाँ, वो कहीं गए हैं कलकत्ते से बाहर काम से। कब गए? आज ही। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? बरामद मानिए, ये सवाल तो हमारे देश में चलता है। ब्योमकेश बाबू कुछ भी बताने को मना कर गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। कब तक वापस आएंगे? कुछ कह नहीं सकता, 2-3 दिन लग सकते हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी में तो आपको इस वक्त दफ्तर में होना चाहिए। आम नौकरियों की तरह मुझे 10 से 5 जाना नहीं पड़ता है, मेरा काम कुछ और है। अच्छा अच्छा, किधर की तरफ गए कुछ कह सकते हैं? कह नहीं सकता, लेकिन शायद श्रीरामपुर उतरेंगे। हाँ, लीजिए चाय पीजिए। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं आपकी बातों को जानने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं। यकायक ब्योमकेश बाबू श्रीरामपुर क्यों चले गए? ये तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। वैसे यहाँ कब से रह रहे हैं आप? जी मैं 10 साल से रह रहा हूँ, ब्योमकेश मुझसे पहले से रह रहे हैं। फिर आइएगा कभी आप। कल शाम को 5:30 बजे श्रीरामपुर स्टेशन के वेटिंग रूम में एक अनजान आदमी की लाश बरामद हुई है। लाश पर कहीं किसी चोट का निशान नहीं है। मौत की वजह का भी पता नहीं चला। आदमी की उम्र करीबन 33-34 है। रंग गोरा, कद लंबा, स्वस्थ, देखने में सुंदर, दाढ़ी मूछ नहीं है। बादामी रंग का कुर्ता, पजामा और सफ़ेद शॉल पहने हैं। आदमी कलकत्ते से 4:53 की लोकल गाड़ी से श्रीरामपुर जा रहा था। जेब में श्रीरामपुर की टिकट मिली है। अगर कोई लाश को शिनाख्त करना चाहते हैं तो श्रीरामपुर अस्पताल में दरियाफ्त करें। अजीत बाबू, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? वो जरा डायमंड हार्बर तक जा रहा हूँ एक दोस्त से मिलने। ब्योमकेश बाबू कब आएंगे कुछ पक्का नहीं है, इसलिए सोचा जरा घूम आऊं। अच्छा अच्छा, आज का अखबार पढ़ा? नहीं, ट्रेन में पढ़ता जाऊंगा। सिम, कब से पड़े हो? 2 घंटे हो गए, एक सिगरेट तो पिलाओ। बिल्कुल नहीं, मुर्दे को पिंड दिया जाता है, सिगरेट नहीं। आजकल तो हर रस्म रिवाज में संशोधन हो रहे हैं। कितने लोग आए तुम्हें अब तक देखने? सिर्फ 3, सब स्थानीय लोग थे, लोफर क्लास के। तो फिर
क्या फायदा हुआ इस प्लान का? अरे मायूस क्यों होते हो, अभी जो सारा दिन बाकी है, फिर कल भी तो है, अगर जरूरत पड़ी तो। क्या मतलब, कल तक ऐसे पड़े रहोगे? मान लो तुम्हारे उस दुश्मन ने वो इश्तेहार पढ़ा नहीं हो तो? अरे पढ़ेगा कैसे, तीन तीन अखबारों में छपाया है। हाँ तो अब मैं क्या करूँगा, घर तो जा नहीं सकता। क्यों? अरे तुम्हारे उस नाम राशि ने सुबह से ही पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं एक दो दिन के लिए डायमंड हार्बर जा रहा हूँ। अच्छा ही किया तुमने, एक काम करो नज़दीक कहीं जाकर छुप जाओ, मुझे जो देखने आ रहे हैं उन पर नज़र रखना। वैसे तो पुलिस ये काम कर ही रही है, मुझे देखने वालों की पूरी छानबीन करेगी, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि कोई जाना पहचाना सा है तो मुझे फ़ौरन आकर खबर कर देना। मुसीबत तो ये कि मैं आँख नहीं खोल सकता इसीलिए जो चरण रज दे रहे हैं उनके दर्शन नहीं कर सकता। हाँ अगर किसी ने देख लिया कि मुर्दी की आंखें टिमटिमा रही है तो देखने वाला घबरा जाएगा। मुर्दे हंसते नहीं है? अच्छा मैं यहाँ नजदीक ही रहूंगा, लेकिन पुलिस कोई झमेला तो नहीं करेगी? दरवाजे पर जो सिपाही खड़ा है ना, हाँ। जाके उसे अपना परिचय दे दो, फिर कुछ नहीं होगा। देखने में वो मामूली सिपाही लगता है लेकिन असल में CID का सीनियर इंस्पेक्टर है। जाओ। अच्छा ठीक है मैं पास ही रहूंगा, जरूर थोड़ी देर दोबारा आऊंगा। अरे कौन आया था मालूम है? वही तुम्हारा मीत ब्योमकेश बोस, वही था ना? हाँ बिल्कुल, अभी तक तो भाग गया। अभी यहाँ जो आदमी आया वो किधर है? वही था क्या? हाँ उसे फौरन गिरफ्तार करना है। इधर गया है दाहिने तरफ। अभी अभी यहाँ से एक आदमी गया, तुमने इसे देखा है? जिसके मुंह पर मफलर था। हाँ हाँ वही। हाँ वो कलकत्ते की एक टैक्सी में आया था और उसी में बैठ के चला गया। चलो फौरन उसे पकड़ना है। लेकिन हमारी मोटरसाइकिल तो अभी तक नहीं आई। टैक्सी का नंबर लिया तुमने? कैसे लेता, टैक्सी बहुत दूर खड़ी हुई थी। इसकी जवाबदारी तुम पर ही होगी, चलो अजीत। यहाँ तो कोई टैक्सी नहीं है। तो क्या ब्योमकेश बोस ही तुम्हें मारना चाहते हैं? हाँ। तुम्हें कैसे पता? अभी रहने दो, बाद में बताऊंगा। मुझे लगता है कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, चलो ट्रेन से चलते हैं। लेकिन वो इतनी जल्दी भागा क्यों? अरे जब तुम मर ही गए थे तो इसमें भागने की क्या जरूरत थी? पहुंचा हुआ शिकारी है, आते ही समझ गया कि जाल में फंसा है। वो कैसे? मेरे दिल की धड़कन से। अरे दिल थोड़ी मरा है चलो। अरे ब्योमकेश बाबू आपके जूते। आप बताइए कि वो आपके ब्योमकेश बाबू आए थे क्या? वो अभी अभी आकर चले भी गए, वो घर से कुछ जरूरी खबर आई थी इसलिए। वो भी आपको ढूंढ रहे थे। मुझे? हाँ, और कह गए आप बिल्कुल अफसोस मत कीजिए, थोड़े ही दिन में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसलिए तो मैं आपका इंतजार कर रहा था। कहाँ गए ये तो बताया नहीं होगा। जी नहीं। अच्छा उनका कमरा कौन सा? वो रहा 5 नंबर, जरा दिखाइए तो सही।
आइए। बात क्या है बम के चौक? कुछ नहीं, इस कमरे में जो हजरत रहते हैं वो एक दागी आसामी है। आसामी? अपने साथ तो कुछ लेने गया? बक्सा बिस्तर सब यही है? नहीं नहीं, वो साथ में छोटी सी पोटली और पानी की सुराही लेकर गए और कह गए 3-4 दिनों में वापस आएंगे। पानी की सुराही? पानी उबाल कर पीते थे क्या? जी नहीं। अच्छा ठीक है, आप किसी आदमी को इंस्पेक्टर बिरेन के यहाँ भिजवा दीजिए। कहलवा दीजिए कि मैंने कहा है चोट पकड़ा गया है, यहाँ फौरन चले। मैं तब तक इस कमरे की तलाशी ले लेता हूँ। गद्दा तकिया गर्म लिहाफ इस जाड़े के मौसम में सब यही है। इसका मतलब समझते हो? नहीं, क्या मतलब? कहीं एक और एक दूसरे सेट का बंदोबस्त जरूर है। चलो तुम उधर देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। वहां देखो, क्या वो माचिस ढूंढ रहे हो? अरे नहीं, वो माचिस नहीं, देख रहा हूँ कहीं कोई क्लू मिले तो कम से कम ये तो पता लगे कि इस हजरत का असली नाम क्या है। क्या? इसका असली नाम ब्योमकेश बोस नहीं है, ये तो साफ साफ है। उसने अपना नकली नाम ब्योमकेश क्यों रखा? बदला लेने की साइकोलॉजी अजीब है। अगर दुश्मन को पता ना लगे उस पर कौन वार कर रहा है तो उस वार करने वाले को मजा नहीं आता, इसीलिए मेरा ही नाम रखकर मेरे सीने पर सवार होने का आनंद लेना चाहता है। मेरा मरा हुआ मुंह देखने के आनंद के लिए सीरमपुर दौड़ कर गया था। अच्छा, कभी कभी दाढ़ी मूछ लगाकर भेस भी बदलता है। ये क्या है? ये बढ़िया किस्म का वाटरप्रूफ कपड़ा है, ये देखो यहां से इस्तेमाल किया गया। शीशी, लाख, मोमबत्ती और वाटरप्रूफ कपड़ा सब एक साथ, इसका मतलब समझते हो? नहीं। मेरी समझ में तो आ गया। अब ये पता लगाना है कि हजरत यहां से गए कहां, जरूर इनका कोई और ठिकाना है। वो चिट्ठी मालूम है तुम्हें? कोकानंद गुप्त। हाँ। वो कोकानंद गुप्त भी यही हजरत है। उनकी चिट्ठी की ऊपरी चिकनी चिपड़ी बातों के छिपी हुई है उनकी हिंसात्मक मनोवृत्ति। साफ साफ तो लिख दिया था उसने, मुझे भूला नहीं, अब कर्ज चुकाने के लिए उतावला है। अब कलकत्ते आ गया है तो जल्द से जल्द मेरा खात्मा करके अपने कर्ज से मुक्त होना चाहता है। इसका मतलब तुम्हारा कोई पुराना दुश्मन है? इसमें कोई शक नहीं, लेकिन है कौन? मेरी गुत्थी तो नहीं सुलझ रही। देखो दरोगा जी ने कहा वो अभी आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपके ब्योमकेश बाबू जब यहाँ से पोटली और पानी की सुराही लेकर गए तब आप जरूर उनके साथ नीचे तक गए होंगे उनको छोड़ने? जी हाँ गया था। टैक्सी का नंबर मालूम है? जी वो तो नहीं मालूम, लेकिन ड्राइवर सरदार था। नीचे कोई और था? नहीं शायद। हाँ, आपका नौकर था, आप लोग शायद घर पर नहीं थे तो वो नीचे। ठीक है ठीक है, पूटी राम का तो होना ना होना बराबर है, उसे अंग्रेजी कहाँ आती है, तो टैक्सी का नंबर याद रखेगा। अच्छा, आपके ये ब्योमकेश बाबू अगर वापस आ जाए तो हमें बता दीजिएगा, अगर हम ना हो तो दरोगा जी को बता दीजिएगा। ये कमरा ठीक ठाक करवा लीजिए, किसी को बताना मत कि हमने तलाशी ली है। ये सामान मैं ले जा रहा हूँ, अगर वो टैक्सी का नंबर मिल जाता ना तो अच्छा होता। कुटीराम, तुम फौरन अंग्रेजी सीख लो, कल ही प्यारी सरकार का पहला भाग मंगवा लेना, अजीत तुम्हें सिखा देगा। क्यों भाई, क्या बात हो गई? कुटीराम के सामने ये हजरत टैक्सी में बैठकर चले गए। अब अगर कुटीराम को अंग्रेजी अक्षरों का ज्ञान होता तो कम से कम ये तो बता सकता कि नंबर क्या था। ठीक है कुटीराम, जाओ, कल से तुम्हारी अंग्रेजी तालीम शुरू। मैं कह रहा था कि क्या है? वो टैक्सी का नंबर मैं देखा है। अरे देखा होगा लेकिन पढ़ तो नहीं सकते।
मैंने पढ़ भी लिया है, दो के बाद दो सिफर फिर दो। तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी आती है? जी नहीं, वो तो हिंदी में लिखा था। शाबाश बूटी राम, अगर हिंदी और अंग्रेजी में कोई दो नंबर एक से है तो वो है दो और सिफर। शाबाश, आज से तुम्हारी तनख्वाह एक रुपए ज्यादा। जाओ, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। गाड़ी का नंबर तो पता चल गया, अब उस गाड़ी और ड्राइवर का पता लगाना है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। आइए आइए इंस्पेक्टर बिरेन, आपने तो कमाल कर दिया। सरदार जी, आपको याद है इस बिल्डिंग से आज आप एक शख्स को श्रीरामपुर लेकर गए, वहां से आप उसे कहां लेकर गए हमें कुछ बता सकते हैं? जी, श्रीरामपुर अस्पताल के कुछ दूर गाड़ी रुकवा कर वो बाबू अस्पताल के अंदर गए, लेकिन जल्दी वापस आकर फिर कलकत्ते वापस चले आए। इस बिल्डिंग के पास मुझे रुकने को कहा, लेकिन फिर कुछ सामान लेकर आए, गाड़ी में बैठे और फिर बहु बाजार के पास उतर कर एक गली में चले। आपके पास नीचे टैक्सी तो होगी अपनी? आओ। जाओ, शख्स को उतारा, आप हमें ठीक उसी जगह पर ले जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। चलिए अजीत, आओ अपनी टॉर्च भी साथ में ले लो। चलो, यही जगह है। अरे ब्योमकेश, ये तो वही जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। वो देखो हमारे मेस की बिल्डिंग। अब समझा ये आदमी कौन है। कौन है? 10 साल पहले मैं यहाँ एक मेस में तहकीकात करने आया था। उसके मालिक का नाम था अनुकूल बाबू, साथ साथ में कोकेन का धंधा भी करता था। उसे मैंने पकड़वा दिया, 10 साल की सजा हुई उसे। अब वो छूट गया है और वही मेरा दुश्मन बन बैठा है, मुझे मार डालना चाहता है। याद है अजीत, चिट्ठी में क्या लिखा था? कोकेन का धंधा करता था, उसने अपना नाम कोकानंद रख लिया, कोकेन से कोकानंद। याद है लिखा था, मैं अब कलकत्ते वापस आ गया हूँ, आपको कभी नहीं भूलूंगा, जल्द से जल्द अपने कर से मुक्त होना चाहता हूँ। लेकिन उसका चेहरा कैसे जला कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर बिरेन, पिस्तौल वगैरह सब है ना? है। चलिए अंदर चलकर उन्हें गिरफ्तार करते हैं। अभी नहीं, आदमी से ज्यादा जरूरत है उस माचिस की। सरदार जी, हमें शायद ज्यादा टाइम लगेगा, आप गाड़ी की लाइट बुझा दीजिए और पीछे उस दुकान में चाय पीजिएगा। हम अगर गाड़ी से उतर गए तो आप यहीं वापस आ जाएगा, हमारा इंतजार कीजिए। जी हुकुम जी। हम यहाँ धरना दे रहे हैं। हाँ। कभी ना कभी तो निकलेगा, जब निकलेगा हम उसके कमरे में जाएंगे, कमरा सर्च करेंगे, फिर जब वो वापस आ जाए आप उसे गिरफ्तार कीजिए। और मान लो वो कमरे से ना निकले तो? अरे निकलेगा कैसे नहीं, अब हम मेस नहीं है, रात का खाना खाने। तो वो देखो, से लगवा दीजिए, जैसे ही कोई अंदर आए आप फौरन अंदर आ जाइए। पधारिए अनुकूल बाबू। क्या चाहिए ब्योमकेश बाबू, कोकेन? जी नहीं, इतनी कीमती चीज लेकर क्या करेंगे, हमें तो मामूली चीज चाहिए,
एक डीएसएलआई का बक्सा। कौन सी डीएसएलआई? जिस बक्से से कुछ दिन पहले ट्रैम में आपने मुझे एक तीली भेंट की थी। क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको सब मालूम है और अपना हाथ स्विच से हटा दीजिए। अंधेरा हो जाने से हमसे ज्यादा आपको तकलीफ होगी। देखिए, आपके पीछे इंस्पेक्टर बिरेन पिस्तौल लिए खड़े हैं। अच्छा, तू पुलिस लेके आया है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जब तक तेरा खून नहीं पिया। मैं वो डीएसएलआई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं दूंगा मैं डीएसएलआई। ठीक है, फिर मैं ही बताता हूँ कि डीएसएलआई कहाँ है। इंस्पेक्टर बिरेन, जरा इनका ख्याल रखना। छोड़ दो मुझे। वाटरप्रूफ सील मोहर की हुई शीशी। सब ठीक है, शीशी टूटी नहीं है। इंस्पेक्टर बिरेन, इसी शीशी में डीएसएलआई की बाकी तीलियां हैं। अब आप इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। चलो भाई। पोटीराम, आज तो तुम बढ़िया सी चाय पिलाओ। आइए आइए इंस्पेक्टर बिरेन, आइए। भाई, अनुकूल बाबू का चेहरा कैसे जला इसका पता चल गया। अच्छा, अनुकूल बाबू एक पढ़े लिखे कैदी थे, इसीलिए जेल अस्पताल की लेबोरेटरी में काम करते थे। 2 साल पहले उनका चेहरा नाइट्रिक एसिड की शीशी गिर जाने से चल गया। बस तभी से उनका चेहरा ऐसा हो गया। लेकिन बोमकेश बाबू, आपको यह कैसे पता चला कि पानी की सुराही में वही खतरनाक तिलिया है? यहां हमारे अनुकूल बाबू की अकलबंदी की तारीफ करनी पड़ेगी। डीएसएलआई पानी में छुपा कर रखी गई है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। अब अगर उनके घर की तलाशी ली जाए तो और जहां भी हो, लेकिन कोई पानी की सुराही की तलाशी नहीं लेगा। मुझे भी शक हुआ जब मैंने सुना कि वो एक हैंडबैग और पानी की सुराही लेकर भागे। अब इस जाड़े के मौसम में कोई गद्दा कंबल छोड़कर पानी की सुराही लेकर क्यों भागे? और फिर जब उनके बक्से में से वो वाटरप्रूफ कपड़ा और सील करने वाली लाख मिली, तब मुझे यकीन हो गया कि जरूर इसी सुराही में वो खतरनाक तीलिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अनुकूल बाबू को उन तीलियों के बारे में कैसे पता चला? प्रोफेसर देव कुमार और उनकी इजाद की गई माचिस की तीलियों का केस सारे अखबारों में छपता था। उन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की रिहाई हुई थी। अब मुझसे बदले लेने की आग उनमें थी। वे रोज कोर्ट जाकर ये केस सुनते थे। वहीं ये माचिस की डिबिया अक्सर बतौर एग्जिबिट कोर्ट में पेश की जाती थी। अनुकूल बाबू ने सोचा इसी हथियार से मुझे खत्म कर देंगे। अब माचिस हथियाना तो उनके लिए मामूली सी बात थी। किसी भी चपरासी को उल्लू बनाकर उसके बदले में दूसरी माचिस रखकर उन्होंने अपना काम बना लिया। इंस्पेक्टर बिरेन, अगर आप चाहें तो इसकी तहकीकात कर सकते हैं। लीजिए चाय पीजिए। पोटीराम, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी? अरे क्या कर रहा है, खोल सत्य आई। आओ आओ सत्या, बिल्कुल सही वक्त पर वापस आई हो। मैंने समझा देर हो गई, कितनी भीड़ रहती है ट्राम गाड़ी में। कभी कभी देर ही सही वक्त होता है। क्यों?